स्वच्छ भारत मिशन के तहत गरीब परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि को गबन करने के लिए आईडी हैक कर 13 जिलों में गबन करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंग के द्वारा लाखों रुपए का गबन किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर के एडिशनल एसपी विकास सागवान और क्रिश्चनगंज थाना प्रभारी रवीश कुमार ने बताया कि 10 फरवरी 2022 को अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के विकास अधिकारी विजय सिंह चौहान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार से मिलने वाली राशि 4,68,000 अज्ञात बदमाशों ने ऑनलाइन तरीके से निकाली है और इसका गबन किया गया है। इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया तो सामने आया कि बीडीओ की एसएसओ आईडी हैक कर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में गहनता से पड़ताल शुरू की तो जोधपुर निवासी कोजाराम बिश्नोई का नाम सामने आया, जिसकी तलाश पुलिस ने शुरू की और उसे जोधपुर के ही बजरासर गांव से गिरफ्तार किया गया। और इस मामले में गहनता से पड़ताल शुरू की तो उसने बताया कि वह अपने साथियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत दी जाने वाली राशि को गबन करता है। यह गैंग 13 जिलों में अब तक बीडीओ की एसएसओ आईडी हैक कर वारदात को अंजाम दे चुकी है, जिसमें लाखों रुपए अपने ही दोस्त और परिचितों के अकाउंट में डलवाए गए हैं। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और यह राशि कहां और किस से अकाउंट में डाली है और इस हैकिंग के पीछे क्या मकसद है, इसे लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। जी देखिए, आप सबको पता है कि करीब फरवरी माह में इस साल पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण के बीडीओ के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में जो टॉयलेट बनाने के लिए सब्सिडी की राशि दी जाती है 12,000 रुपये, उस राशि के संबंध में एक गबन की जानकारी सामने आई थी, जिसमें वो शौचालय निर्माण के लिए जो सब्सिडी राशि दी जाती है उसके करीब 4,68,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र के माध्यम से गबन कर राजकीय कोष को हानि पहुंचाई गई थी। इसी जानकारी के ऊपर हमारे द्वारा प्रकरण संख्या 84/22 दर्ज किया गया 420 और आईटी एक्ट की धाराओं में। इसमें इस तरह के प्रकरण संपूर्ण राजस्थान में पंचायत समितियों में गबन होने के कारण दर्ज कराए गए, जिसमें राजस्थान के 10 से अधिक जिलों में इस तरह के प्रकरण दर्ज हुए। एसओजी के द्वारा भी इसमें प्रकरण दर्ज किए गए और वो भी मुलजिमों की तलाश के लिए काफ़ी प्रयासरत थी। इसमें एसपी साहब के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें रविश समरिया एसएचओ कृष्णगंज, भगवान सिंह एएसआई, प्रवीण, मुकेश, अमरचंद कांस्टेबल्स इन्वॉल्व थे, जिन्होंने प्रयास कर जो एक मुख्य आरोपी था कोजाराम जानी, उसको और उसके मोबाइल जो उसने घटना में प्रयुक्त किया उनको गिरफ्तार किया और उसको जब्त किया। इसके अतिरिक्त जो पूछताछ में 2-3 नाम और सामने आए, जो लोग इस पूरी प्रक्रिया को, गबन की प्रक्रिया को समझते थे और उन्होंने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया, उनको हमने भी मुलजिम बना लिया अपनी फाइल पर। हालांकि वो दोनों अभी भागे हुए हैं। इनमें से एक जो मुलजिम था शीशपाल, वो इमित्र का कार्यकर्ता था, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन से और ऑनलाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया से वाकिफ था। तो उसने और बाकी दोनों जो थे शीशपाल और गोवर्धन राम, दोनों नरेगा में मैट का काम भी करते थे, मेट का, तो उनको भी प्रक्रिया का उन्होंने समझा और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। अभी कोजाराम जानी को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी को मुलजिम की जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। कितने और नामजद हैं उसके अलावा, बाकी इनसे पूछताछ की जाएगी। अभी उनको इन्होंने एसएसओ आईडी को हैक किया बेसिकली, क्योंकि ये नरेगा मैट में काम करते थे, मेट के तौर पे काम करते थे, तो इन्होंने इनको उन चीज़ों की एक्सेस थी, उस ऑफिसेस की एक्सेस थी। वहाँ से बैठकर इन्होंने प्रक्रिया को समझा और उसमें इन्होंने जो एसएसओ आईडी थे उससे जो लिंक्ड मोबाइल नंबर हैं उन नंबर्स को चेंज किया, ताकि जो ओटीपी आता है ट्रांजेक्शन का, वो ओटीपी जो वीडियो है उसकी फ़ोन पर ना आकर उनके जो उन्होंने नंबर ऐड किए उस पर आना शुरू हो गए। इस तरीके से इन्होंने राशि को जो ट्रांसफ़र है उसको अंजाम दिया। ये जो अभी वैसे ये चीज़ें थोड़ी और जब बाकी और गिरफ्तार हो जाएंगे उसके बाद ही सामने आएंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इनके पीछे कोई और भी अगर मास्टरमाइंड है तो उसका पता लगेगा। कोई रकम का आकलन है? करोड़ों में है आकलन। अपने अजमेर में करीब 4,68,000 रुपये का गबन हुआ था। करीब 10 से ज़्यादा जिले हैं जो इनसे ग्रसित हुए थे। तो सर ये क्या सारा एक संगठन? डेफिनेटली एक गिरोह की तरह काम किया है। इस तरह के किस तरह से राजकीय राशि का जो उन्होंने
गबन किया है वो बिना किसी एक संगठित ग्रुप के नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी सिक्योर सिस्टम्स होते हैं। उसके जो MIS मैनेजर्स हैं उन्होंने भी यही, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने यही अपडेट किया कि इस तरह का जो गबन है वो बिना किसी एक संयोजित तरीके के बिना नहीं हो सकता। ये क्या कार्रवाई अजमेर में हुई है या कहीं और भी इस तरह से कार्रवाई हुई है क्या? अभी अजमेर ने ही सबसे पहले सर्वप्रथम जो इसका एक वन ऑफ द मुख्य आरोपी एक्यूज्ड है उसको गिरफ्तार किया है। डेफिनेटली बाकी जो जगह के जिलों की टीम है, पुलिस टीम्स हैं, वो भी इनको अपने में मुलजिम बनाएंगे। अजमेर में कहाँ कहाँ इन्होंने टारगेट किया था, कौन से क्षेत्रों को? पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण का ये मामला सामने आया था। डिपार्टमेंट कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं दूसरा है? वो पता लगेगा पूछताछ करने से, अभी हमने इसको PC पे लिया है, उसके बाद पता लगेगा। जो गैंग है ये केवल इस टाइम पहले भी कहीं इन्होंने ऐसा काम किया होगा? डेफिनेटली वो सब एक बार जब ये सब लोग हमारे गिरफ्त में आ जाएंगे इनसे और गहन अनुसंधान होगा तब सामने आएगा। सर जिसकी गिरफ्तारी है वो कौन है? जिससे गिरफ्तार हुई है वो कोजराम जानी है, ये जोधपुर का रहने वाला है। अजमेर में तो किसी पोस्ट पे क्या है? नहीं, अजमेर में कहीं पोस्टेड नहीं है।